के बाहर। इतना सारा कूड़ा तुम्हारे घर के बाहर, अरे गली में बहुत लोग चिढ़ते तुमसे चलते, क्या होगा ड्यूटी जाने समय कूड़ा जा रहा है। हम बैठते हैं कूड़ा, हमारा नाम लिख रहा है कूड़े में। हाँ तुम्हारी शक्ल दिख रही है कूड़े में। हाँ तुम्हारी शक्ल दिख रही है, खुद तो खा लिया, खाली गिनती में कूड़ा भर सकता है बता रहा। लेकिन ये कैसा झूठा आरोप लगा रही है, हमने फेंका कूड़ा। बोला था आपकी गोलू ने बताया कि आपकी गैलरी में फेंका। एक छोटी सी जानकारी तो रिश्तेदारों का है जी, कल आ गए दावत में। अब देखो जी रिश्तेदार आए तो चाय पी लो, चाय पी के अपने घर चले जाओ, वो तो पूरी प्लेट बिस्किट की खा गए और कह रहे जी नमकीन और बना के दे दो। अरे बोलो, आ पापा बोलो। अरे ये तो रिश्तेदार आए थे, बड़े ही बेकार थे। पापा आए भी खा पी के चले भी गए और मेरे को 10 रुपए भी नहीं दिए। तो अब तुझे अपने 10 रुपए की पड़ रही है, 50 के बिस्किट खा गए और 30 रुपए की नमकीन खा गए। अब बोलो किसने बुलाया। अरे एक बात बता, घर में इतनी बदबू आ रही है, जरा देख कहाँ से आ रही है बदबू। बाबा बदबू चली जाएगी, नहा लो आप। मैं नहा लूं? हाँ। मैं सुबह उठ के नहा लिया, समझ गया घर के अंदर से बदबू आ रही है। भाई कोई रिश्तेदार आज आ गया तो क्या कहेगा, घर में बदबू आ रही है, तुम के देखो। हाँ बाबा बदबू तो आ रही है। अरे तो यही तो पता लगा ना कहाँ से आ रही है। अबे सुनता हूँ, मैंने आपका कुत्ते से भी देखा है। तो कुत्ता है? मैं तो बिल्ला हूँ। जब देखो उल्टी सीधी बातें करता जा। अब देखो जी कोई घर पे आएगा क्या बोलेगा, घर पे साफ सफाई ना रखते, बदबू आ रही है इनके घर से, और हम तो चाहते ही रहा कि कोई रिश्तेदार घर पे आए। पापा पापा पापा, हाँ रसोई घर में। क्या रसोई घर में? अरे कूड़ा सड़ रहा है। ए, नाला है, कूड़ा सड़ रहा था, उठा उसे कूड़ेदान में फेंक गया। कूड़ेदान कितनी दूर है? हाँ वैसे भी जब तक कूड़े से बदबू ना आ जाए ना, जब तक मन नहीं करता कूड़े को फेंकने का। कूड़ा कुछ बोलता है मेरे को फेंक दो है। लेकिन एक काम कर, तू कूड़ा उठा, कूड़ेदान में फेंक के जा। पापा कूड़ेदान दूर है। ना बेटा चले जा, ये रहा 2 गली पीछे कूड़ेदान, जाके फेंक गया। अरे मेरे पैर दर्द हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा। अरे तो हेलीकॉप्टर में जाएगा के? साइकिल दिला दो। साइकिल भी दिला दो। ना कूड़ा उठा ले और फेंक के आ जाके। मैं जा रहा, दूर है बोला तो। एक काम कर, बगल में शांति का घर है, तेरी शांति आंटी, उनके घर के बाहर एक छोटी सी नाली जा रही है, बूढ़े को ले गली में जा, पहले इधर देख फिर उधर देख और नाली में फेंक कर भागे अंदर। देख लिया तो? रे कौन देखने का, चौधरी हम चौधरी किसे डरते हैं, जा तू। हाँ किसे डरते हैं मोहल्ले चले अम्मी। अरे जा थोड़ा फेंक क्या जल्दी। पापा को भी चॉकलेट दो। अरे तो जा, मैं तो उसके पापा को बताऊंगी, रोज आए
हमने बुलाया और हम चले आए। अरे शादी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? अरे मुलाकात करनी हो, मुलाकात करनी है। हमसे बोला कर मुलाकात और भूसा लात में बहुत फर्क होता है। करो जो हाँ। अरे भाई साहब, मुझे ना आपको याद करने का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्यों बुला लिया हमें तुमने? अरे कूड़ा क्यों फेंका ये बताओ घर के बाहर? इतना सारा कूड़ा तुम्हारे घर के बाहर? अरे गली में बहुत लोग चिढ़ते तुमसे चलते, क्या हुआ कोई ड्यूटी जाते समय? अरे भैया एक बात बताओ, ये कूड़ा है ना ऐसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। तुम हर दिन मेरे घर के बाहर ये कूड़ा फेंक देते हो, कभी कभी कूड़ा जाएगा। हम फेंकते हैं कूड़ा, हमारा नाम लिख रहा है कूड़े में। तुम्हारी शक्ल दिख रही है, खुद तो खाली और खाली बिंदी में कूड़ा भर रखा है। अरे भाई साहब, अरे चौधरी, हम चौधरी हमने मेरे सुनो स्कूल के अंदर भी बोलते तो कूड़ेदान मनाने चाहिए। चुप कर दो, कूड़ेदान घर में पानी की बाल्टी में तो कूड़ेदान बना रखा, दो कूड़ेदान बनाने चाहिए। चुप कर दो। अरे दो कूड़ेदान बनाने चाहिए, एक हरा एक नीला। हरा कूड़ेदान जो होता है ना हाँ। वो गीले कूड़े के लिए होता है, प्याज के छिलके, परिवार के बासी खाना उसमें डालते हैं, ठीक है? अच्छा, वो होता है गीला कूड़ा। और कूड़ा होता है पेपर प्लास्टिक, ये होता है वो कबाड़ी को बेचते ना तो पैसे भी कमा सकते हैं, उससे ना कूड़ा खत्म हो जाएगा। बेटा बात तो तू अच्छी बता रहा है, लेकिन ये कैसा झूठा आरोप लगा रही है? हमने फेंका कूड़ा? अरे मैंने फेंका नहीं, बोला था गोलू ने बताया कि आपके कहने में फेंका है। तू मेरा लड़का है उसका लड़का है आपका? अब चलो बच्चे ने फेंक दिया, बच्चा तो हम दोनों का ही है। अरे कैसी बात कर भाई साहब, आपको पता नहीं है ये पन्नी जो है ये नाली में फंस जाएगी तो उससे पैदा होंगे मच्छर और वो गोलू को काट के बीमार करेंगे, समझ नहीं आती आपको? अरे हाँ शांति, सुबह सुबह क्यों गरम हो रही हो? समझ गया, ये पिन्नी फंसेगी नाली होगी जहाँ और होंगे मच्छर। कोई नहीं, मच्छर होंगे तो हम निपट लेंगे। है क्यों बेटा? अरे नहीं समझेंगे, इनको समझाना तो मतलब की बात में सर मारना। अरे हम समझ गए नमस्ते। अरे फेंक रहे, पता नहीं किस मर्जी का पड़ चला है, अभी चले अंदर। ओ बेटा गोलू, आ पापा। स्कूल ना जा रहा है तू? स्कूल स्कूल को जाऊंगा। क्यों, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तेरी? और क्या, कभी छुट्टी हो रही है, कभी जल्दी बुला रहे, कभी देर से बुला रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मेरे भी समझ नहीं आता, कभी तुझे सुबह 6 बजे छोड़ना पड़ता, कभी 9 बजे छोड़ के आना पड़ता। एक काम कर, वो जो कल मैंने तुझे बोलता ना बाइक का टायर निकलवाया था, वो कहाँ पे रखा तूने? वो छत में फेंक के, टूटे बर्तन छत में फेंकती है, वो जितने भी फालतू सामान था सब छत में फेंक के। एक दिन आप भी चलो देखने। अच्छा मैं सोच रहा फेंकने, देखने। अच्छा एक बात बता, चिड़ियों का गमला रखा था पानी को, उसमें पानी भर दिया था ना? बर्तन हाँ पानी भरती है, पिछले हफ्ते बदला था और अब अगले हफ्ते कर दूंगा। अबे रोज बदला कर पानी, इसे चलान वालान कट गया ना छाती पे बैठ जाएगा चलान आके। एक बार कटना चाहिए। अबे चक्कर क्या चाहिए, जब देखो उल्टी सीधी बात है। चल काम कर ले थोड़ा सा घर का, ठीक है? काम कर काम कर का। हाँ। अरे भाई घर में कोई है? नहीं घर में कोई है? हाँ अंकल जी। अरे बेटा घर में कोई बड़ा है? देखिए मैं MCD के मलेरिया डिपार्टमेंट से आया हूँ और मुझे आपका कूलर देखना है। अरे भाई साहब कूलर छोड़ो, ये देखो नया फ्रिज लिया, फ्रिज देखो डबल डोर का फ्रिज है। अरे भाई मुझे कूलर देखना है। कूलर देख के क्या करोगे भाई साहब, कूलर में कुछ ना ऐसे रखा हुआ 2 सालों से वहीं अपनी जगह पे। पर टीवी देखो उसमें ना सिंचर आ रहा, वो दे दे। अरे भैया क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मुझे कूलर देखना है, कूलर की जांच करनी है कि उसमें 2-4 हफ्ते का पानी तो नहीं जमा। अरे भाई साहब कहाँ तुम मैं गली गली भटक के लोगों के घर में कूलर चेक कर रहे हो, आराम से ऑफिस में जाके चद्दर ओढ़ के AC चला के बैठ, कहाँ धूप में घूम रहे हो घर घर? अरे भाई हमारा काम ही है ये, तो कैसे बैठ जाए? अरे तो कूलर तो हमारा है, कूलर दिखाओ। जब मना कर दिया तो मना कर दिया, हमारा कूलर मत देखो। अरे भाई मुझे देखना है, मेरी ड्यूटी है ये, दिखा। खोलो। हाँ हाँ खोलो। अरे ये क्या, अरे इसमें तो लार्वा है, कितने दिनों से पानी नहीं आपने चेंज किया? भाई साहब कल ही तो धोधा के माँच के रखा, ताजा पानी भर के। कैसी बात कर रहे हो भाई, आप करो चलान कटेगा। आप तो खुद बीमार हो गए, साथ में अपने मोहल्ले के लोगों को भी बीमार करोगे। भाई साहब कल ही भरा ताजा पानी, आप कैसी बातें कर रहे हो? पानी कब चेंज किया था? 1 महीने पहले। बस भाई साहब क्या करें, पानी की बर्बादी। एक बात बताओ,
छत पे गमले टायर या कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है? हाँ, बहुत सारे पानी भी भरा हुआ उसमें, तो गमले में भी हरा हो गया पूरी जगह। ये क्या कर रहे हो आप लोग? इस समय बरसात का समय है, पानी भरेगा, टायर के अंदर पानी जमा होगा, टूटे गमलों में पानी जमा होगा, नारियल के जो खोल होते हैं उनमें अगर पानी जमा होगा क्या होगा? मच्छर उत्पन्न होगा, वही मच्छर फिर आपके बच्चे को काटेंगे। और एक बात बताओ, आप अपने घर में पानी जो है तो स्टॉक करके तो नहीं रखता, वो खुला हो? आएगा ना ऊपर छत पे टंकी में ढक्कन ही उड़ा पड़ा है। भैया सारे बीमारी के काम तो आपने कर रखे हैं और कह रहे चालान ना करो है? भाई साहब इस बार माफ कर दो, अभी कूलर की अभी माफ नहीं, आपका चालान कर देगा भाई साहब। प्लीज भाई साहब माफ कर दो भाई साहब। चलो अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे, इस तरह की गलतियां होंगी तो आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, आप लोग बीमार पड़ोगे, फिर काटोगे डॉक्टर्स के चक्कर और फिर वहां लगेंगे पैसे, तो क्या फायदा ऐसे काम करने से? ठीक है? नहीं नहीं भाई साहब आप सही कह रहे, चाय वाय पियोगे, चाय करो। अरे बस बस घंटा वगैरह तो, अरे मैं चलता हूँ भाई साहब, मेरा पानी चेंज करना, अपने पापा को समझाना। पापा एक बात बताओ, ये घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाएंगे, कूलर चेक करेंगे, दवाई डालेंगे, सब पूरे मोहल्ले में घूमेंगे ना, तो मेहनत तो करते आराम से ऑफिस में बैठे। वही तो समझा रहा था, आके हम ही धमकाने लगे, चलान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आराम से ऑफिस में एसी चलता है, पैर लंबे करके कुर्सी पे रख के आराम से सोना चाहिए। तुम्हारे लिए एसी लगाओ, मेरे को तो नहीं लगता। अरे तो चला जा पानी तो। ए बेटा सुबह हो गई, उठ जा, ला खोलो, ला क्या हो गया तुझे? अरे तुझे तो बुखार भी हो रहा, ठंड लग रही है, एक काम कर, तू डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ, चल आ जा, आ जा, आ जा। गोलू को जिसको हो रहा बुखार, कब कभी चढ़ रही है, ठंड लग रही है से बार बार। अरे भाई साहब मुझे लगता है इससे ना मलेरिया हो गया या तो डेंगू हो गया होगा, क्योंकि उसमें ऐसे ही लक्षण आते हैं सामने। बहन जी क्या करें, अब लड़के को दो दिन से ऐसी कभी चढ़ रही है, तो मैंने एक दिन तो बजा। आप साफ सफाई भी नहीं रखते, और आपको मैंने उस दिन बात करते सुना था, तो भाई साहब आते ना कूलर चेक करने, उनसे आप कैसे बात कर रहे थे, आप कूलर का पानी भी नहीं बदलते हैं, आप ऐसी गलतियां करेंगे तो बच्चे तो बीमार होंगे ना। अब बहन जी हमसे तो हो गई गलती, अब मेरे से क्या, मोहल्ले में बहुत लोग करते हैं गलती, अब लेकिन मुझे लग रहा है कि कूलर का पानी साफ करना चाहिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए, और यहाँ तक कि अपने आसपास और अपने आसपास के मोहल्ले की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, एक हफ्ते में पानी जरूर चेंज कर देना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ जब हम कूलर लगाते हैं जब गर्मी आती है तो उसकी घास भी हमें ना चेंज करके लगानी चाहिए भाई साहब। हाँ जी, लेकिन मेरे समझने से नहीं होता, अगर यहाँ सभी लोग समझ गए तो एक बार ताली बजवा के दिखा दो भैया, जो जो साफ करके रखेगा अपने कूलर को। अब तो मोहल्ले वाले समझ गए, मैं भी समझ गया, और जो लोग नहीं जागे दवाई दिला लो, दवाई दिला के। अच्छा चल दवाई दिला के लाओ पहले। तो साथी एक छोटी सी जानकारी थी आज आप लोगों के बीच कि अगर आसपास साफ सफाई रहेगी तो हम लोग ही साफ सुथरे रहेंगे और बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे, तो इसीलिए तो कहते हैं कि इधर उधर ना डालो।